हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे हम हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। प्रोटीन फॉर्म होने के लिए डीएनए चाहिए होता है, जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ये हमारी नॉर्मल सेल है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स नॉर्मल साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते हैं। ये इस सेल का न्यूक्लियस है, जो कि कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, जिसमें 46 दैट मींस 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम का अनवाइंडिंग होने के बाद डीएनए फॉर्म होता है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए के लिए यूज होते हैं। ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए होता है। जब भी प्रोटीन फॉर्म होता है, इसका जीन एक्टिव हो जाता है, और जो रीजन में जीन एक्टिव होता है, वहां एक एंजाइम जाकर के बाइंड होता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, जो इस डीएनए का अनवाइंडिंग करता है। और साथ ही साथ इस सेल में, इस न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो बाइंड होते हैं और वह एमआरएनए फॉर्म करते हैं, जो कि एमआरएनए फॉर्म होने के बाद क्लीव होता है इस डीएनए से। क्लीव होने के बाद यह इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। जितना भी रीजन इस डीएनए का अनयूज्ड है या यूजफुल नहीं है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, वह रिमूव होता है और यूजफुल पार्ट ज्वाइन कर लिया जाता है। ये यूजफुल एमआरएनए अब न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जहां इसकी रीडिंग अब होने वाली है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोडॉन। जेनेटिक कोडॉन के हेल्प से यहां रीडिंग होने वाली है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। फर्स्टली राइबोसोम इस एमआरएनए पे आके बाइंड होता है और इसको रीडिंग करने के लिए यूज होते हैं टीआरएनए। यहाँ अमीनो एसिड कैरी करने वाला टीआरएनए है, जिसे हम चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं, जिसकी नीचे वाली जो साइट होती है, वह साइट कोडॉन रीजन की साइट होती है, जो कि एक एक अमीनो एसिड आकर के रिलीज कर देता है और फ्री हो जाता है इस राइबोसोम से टीआरएनए, और यह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर देता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी यूजफुल है, उतनी चेन बाहर आकर के रिलीज हो जाती है राइबोसोम से, और वह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स।